हाँ दोस्तों, मैं नमस्कार एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मैं आपका अपना धर्मेंद्र भास्कर भास्कर मैथ्स अकेडमी कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दोस्तों तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ठीक है भाई, तो दोस्तों आ जाइए जल्दी से जल्दी फिर से क्लास के अंदर। जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, हो सके उतना जल्दी आने की कोशिश करें भाई। और फिर से आप सभी लोगों का मैं इस भास्कर मैथ्स अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जहां पर आज की क्लास के माध्यम से जीके के संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन निरंतर इस क्लास के बारे में अपन चर्चा करते आते हैं, उसी प्रकार से आज फिर क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जल्दी आ जाइए जो भी लोग आ रहे हैं भाई, ठीक है, जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं प्लीज वो जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करें। तो आज की क्लास के अंदर अपन जीके से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं उन चर्चाओं को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि और किन किन प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है, ये सारी बात आज की क्लास के माध्यम से देखना चाहेंगे। तो भाई जितना जल्दी हो सके दोस्तों सारे कैंडिडेट आने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी आइए भाई, आपका वेट कर रहा हूँ भाई। उसके साथ उसके बाद में क्लास स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी करें भाई। जो भी लोग आने चाहते हैं भाई जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करें भाई, जीके की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो, ठीक है भाई। हाँ भाई जल्दी कीजिएगा दोस्तों, जितना जल्दी हो सके दोस्तों जल्दी से जल्दी। अरे बिल्कुल शुभम बन्ना, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग शुभम बन्ना, ठीक है भाई। जो भी लोग आ रहे हैं प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वेरी गुड मोहित जाकर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, ठीक है। नैनसरी हेलो गुरुजी, बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ठीक है भाई। क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ ऑप्शनली अपन चर्चा करेंगे भाई, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए दोस्तों पूछ लेना भाई, ठीक है। जैसा कि दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास को स्टार्ट करने के साथ पहला मेरा क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में निम्न राष्ट्रीय दोस्तों क्या चीज कह रही है, राष्ट्रीय उद्यानों, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों में, भारत में निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा सी है का मतलब शेर, ठीक है, के लिए सुप्रसिद्ध है, क्या है भाई, सुप्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा भारत में राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा उद्यान है वो सिंह के लिए क्या है भाई प्रसिद्ध है। ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों, जैसा कि पहला ऑप्शन है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है भाई। तीसरा ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों मेरे पास चौथा जो ऑप्शन है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों क्या है भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान, फटाफट बताने की कोशिश करें कि इसका सही और सटीक जो आंसर होगा वो क्या होगा। दोस्तों भारत में निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिंह मतलब शेरों के लिए क्या है दोस्तों सुप्रसिद्ध है, भाई जल्दी से जल्दी बताने का कोशिश करें। तो दोस्तों कहा जाता है कि भारत में निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में या भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में से सिंह के लिए जो सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वह कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों कौन सा है भाई, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है भाई, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो है कायिक क्या है, दोस्तों कायिक क्या है, ठीक है, कायिक है क्या चीज है, कायिक भाई नाम सुना होगा आपने कायिक का, जिसमें दोस्तों पहला ऑप्शन है कि एक प्रकार का जनजातीय औजार है कि ये एक प्रकार का जनजातीय औजार है, नाम सुना होगा आपने। या फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि भाई ये एक प्रकार की नौका है, एक प्रकार की क्या है भाई, नौका है, ठीक है भाई, सोच समझकर जवाब देना क्वेश्चन का, ठीक है भाई। इसके अलावा
तीसरा जो मेरा ऑप्शन है वो क्या है भाई, एक प्रकार का जहाज है, एक प्रकार का क्या है दोस्तों, जहाज है, या फिर भी यहाँ पर चर्चा की जाती है चौथे ऑप्शन की कि भाई ये एक प्रकार का हथियार है, एक प्रकार का क्या है दोस्तों, हथियार है, ठीक है ना भाई। तो दोस्तों ध्यान से देखना क्या चीज है। आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कायक है, तो बताइए दोस्तों कि ये एक प्रकार का जनजातीय औजार है, या एक प्रकार की नौका है, या एक प्रकार का जहाज है, या एक प्रकार का हथियार है। तो दोस्तों कहा जाता है कि कायक एक प्रकार की नौका होती है, दोस्तों कायक है वो एक प्रकार की क्या होती है दोस्तों, नौका होती है, क्या होती है दोस्तों, नौका होती है। क्या बात समझ में भी कर सकते हो ना, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 पर। कौन से क्वेश्चन पर चर्चा करता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ध्यान से देखना भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई आपके सामने कि निम्नलिखित भाई क्या चीज कह रहा हूं कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक दोस्तों क्या चीज कह रहा है कि सबसे अधिक उष्मीय, दोस्तों क्या कह रहा हूं, सबसे अधिक उष्मीय मान किसका है, उष्मीय मान किसका है भाई, फटाफट बताना भाई किसका है। ये चीज पड़ी हुई है भाई आपका, क्या चीज है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय मान किसका है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट है। और मेरे पास दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है वो है वसा, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है प्रोटीन, क्या भाई, प्रोटीन। और चौथा जो मेरे पास ऑप्शन है वो है भाई विटामिन, दोस्तों क्या है भाई, विटामिन। तो इसको बताइए भाई फटाफट, देखता हूं भाई आप सभी लोगों में से सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर कौन देता है, इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर कौन देता है, फटाफट कीजिएगा। आप जो भी लोग लाइव बैठे हैं प्लीज आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसमें मुझे बताइएगा कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होता है। अरे उष्मीय मान जिसमें भी किस में होता है, तो दोस्तों सबसे अधिक उष्मीय मान होता है ना वो भाई वसा में होता है, किस में होता है भाई, वसा में होता है, किस में होता है, वसा में होता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत भाई नहीं है, चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो क्या है भाई दोस्तों, देखिएगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, मोहित जाकर कह रहा है भाई बी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है भाई, ये नाम देखना, नाथुला, नाम सुना है भाई, नाथुला एक स्थान है, नाथुला एक क्या है दोस्तों, स्थान है, नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद दोस्तों, 44 वर्षों बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया, 44 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद, 44 वर्षों बाद भारत और चीन सीमा व्यापार, भारत और चीन सीमा व्यापार, ठीक है, फिर से शुरू किया, व्यापार फिर से शुरू किया, ठीक है, फिर से क्या किया दोस्तों, शुरू किया, ठीक है ना, पूरी चीज को समझना, शुरू किया गया है, गया है। वह भारत की, वह भारत की किस सीमा पर स्थित है, भारत की किस सीमा पर स्थित है, किस सीमा पर स्थित है, ठीक है ना भाई, ध्यान से, स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़ना क्या कह रहा है कि नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया, वह है भारत की किस सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों पहला जो मेरा ऑप्शन है वो ऑप्शन है भाई सिक्किम, क्या है भाई, सिक्किम। और दूसरा जो मेरा ऑप्शन है वो है अरुणाचल प्रदेश, क्या है भाई, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तीसरा जो मेरा ऑप्शन है वो है हिमाचल है, क्या है भाई, हिमाचल है। सर नाथुला दर्रा की राज्य में है, दर्रा की राज्य में है,
क्या चीज भी समझा नहीं मैं। और चौथा जो ऑप्शन है वो है जम्मू एंड जे एंड के, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों नाथुला एक स्थान है, ठीक है, जो जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया। किसका व्यापार शुरू किया गया भाई? भारत चीन व्यापार फिर से दोस्तों शुरू किया गया। तो ऐसी स्थिति में आपको ये बताना है, क्या चीज बतानी है कि भाई वह भारत की किस सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों बता देता हूं, वह भारत की सिक्किम सीमा पर स्थित है भाई। कौन सी सीमा पर स्थित है दोस्तों? भारत की सिक्किम सीमा पर क्या है दोस्तों? स्थित है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों बताइए मुझे क्या कि राष्ट्रपति राज्यसभा में, राष्ट्रपति राज्यसभा में दोस्तों किसमें, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? कितने सदस्य मनोनीत करता है? भाई इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? पहला ऑप्शन 6 है, दूसरा ऑप्शन 9 है, तीसरा ऑप्शन 12 है, चौथा ऑप्शन 5 है। हाँ भाई फटाफट बताने की कोशिश करें कि भाई कितने सदस्य मनोनीत करता है भाई, जल्दी बताइएगा। इसका सही और सटीक आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि इसका सही और सटीक आंसर ये होगा। तो दोस्तों कितना होगा भाई? 12 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? सही होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि भारतीय संविधान, क्या चीज भाई? भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब करवाया गया? पहला आम चुनाव कब करवाया गया? कब करवाया गया, ठीक है ना भाई? ये बताना है कि कब करवाया गया दोस्तों। पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1951, तीसरा ऑप्शन है 1952 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 1949। हाँ भाई क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब करवाया गया? तो ये बताइएगा भाई, फटाफट बताइएगा कि ये है चुनाव है ये कब करवाया गया। तो दोस्तों बता देता हूं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव है वो 1951 में करवाया गया। दोस्तों कब करवाया गया भाई? 1951 में करवाया गया। तो इसका सही और सटीक जो आंसर होगा वो है कौन सा आंसर होगा भाई? ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? सही होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सन 2018 कॉमनवेल्थ, ये चीज आपकी पढ़ी भी है भाई, ठीक है, हर ये चीज आपकी अभी की है भाई, बहुत लेटेस्ट है भाई, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। महेश सामुता बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 2018 कॉमनवेल्थ खेल किस देश, कॉमनवेल्थ खेल किस देश में दोस्तों खेल है वो किस देश में आयोजित किया गया? किस देश में आयोजित किया गया दोस्तों? क्या किया गया भाई? आयोजित किया गया, ध्यान से सुनना, किया गया कि 2018 कॉमनवेल्थ खेल किस देश में आयोजित किया गया? पहला है दोस्तों आयरलैंड है, ठीक है, आयरलैंड में आयोजित किया गया। दूसरा है भाई इंग्लैंड में, ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन है भाई? इंग्लैंड है, ठीक है। तीसरा जो मेरा ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, क्या है भाई? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और चौथा जो मेरा पास ऑप्शन है वो है दोस्तों न्यूजीलैंड, क्या है भाई? न्यूजीलैंड है। फटाफट बताने की कोशिश करें भाई कि इसका सही और सटीक जो आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है, कि भाई ये जो 2018 कॉमनवेल्थ किस देश में आयोजित किया गया, फटाफट बताइएगा भाई। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद कि 2018 कॉमनवेल्थ खेल है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था भाई। कहां आयोजित किया गया दोस्तों? न्यूजीलैंड में।
में नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था भाई? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था भाई। बोलो बात समझ में आई भाई, कर सकते हो क्या रे? हाँ या ना? चलो भाई तो आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा ये करते हैं कि और अपने से किस किस प्रकार से प्रश्नों के बारे में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिएगा फटाफट बताइएगा कि कालिदास, अरे भाई कौन कालिदास? जो कालिदास है ना वो कालिदास पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? संबंधित है दोस्तों, क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कालिदास पुरस्कार है दोस्तों, कौन सी चीज? जो कालिदास पुरस्कार है वो कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? क्या बताओगे भाई आप सभी लोगों में से? यार संबंधित, मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं भाई, संबंधित है ठीक है। कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है दोस्तों? पहला ऑप्शन लिख देता हूं, संगीत से संबंधित है ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर दो है साहित्य से संबंधित है ठीक है, या तीसरा मेरा ऑप्शन है कला एवं अभिनय से संबंधित है, कला एवं अभिनय से संबंधित है, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों खेल से संबंधित है। कोई फटाफट बताने की कोशिश करें कि कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है। हाँ भाई, कालिदास पुरस्कार है वो किससे संबंधित है दोस्तों? कालिदास पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? कालिदास पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों कालिदास पुरस्कार है वो दोस्तों साहित्य से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है ठीक है ना। सी नहीं होगा, क्या होगा भाई? बी होगा, कालिदास पुरस्कार साहित्य से संबंधित है भाई ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या है। फटाफट बताने की कोशिश कीजिएगा क्या, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष, की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों, पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन है, या महिला अध्यक्ष कौन थी ठीक है भाई। जहां पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू ठीक है भाई, सरोजिनी नायडू है, या फिर दूसरा मेरा ऑप्शन है दोस्तों इंदिरा गांधी है ठीक है, क्या है भाई? इंदिरा गांधी है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सोनिया गांधी है ठीक है, या फिर चौथा ऑप्शन है भाई मेरे पास एनी बिसेंट है, एनी बिसेंट है। हाँ भाई बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष है वो कौन थी दोस्तों? पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हाँ भाई फटाफट बताने की कोशिश करें कि भाई इसका सही और सटीक है वो आंसर क्या होने वाला है ठीक है। किसका भाई? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों पहली जो महिला अध्यक्ष है ना वो एनी बिसेंट थी भाई। कौन थी भाई? एनी बिसेंट थी। तो इसका सही और सटीक जो आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी आपको। अरे हाँ या ना, कर सकते हो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं भाई। अगला जो मेरा क्वेश्चन है दसवां क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है? हर गोविंद भाई कौन है? हर गोविंद भाई, हर गोविंद ठीक है ना, मैं थोड़ा सा एक मिनट एडजस्टमेंट बोर्ड को, कि हर गोविंद है ठीक है, हर गोविंद खुराना, हर गोविंद खुराना को किस क्षेत्र, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र, किस क्षेत्र, किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला था? नोबल
पुरस्कार मिला था, नोबल पुरस्कार मिला। दोस्तों क्वेश्चन क्या है मेरा, मेरा क्वेश्चन यह है कि हर गोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला। पहला ऑप्शन है दोस्तों भौतिक, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रसायन, ठीक है, रासायनिक क्षेत्र में मिला था। तीसरा ऑप्शन है मेरा औषधि विज्ञान, तीसरा जो ऑप्शन है वो मेरा क्या है भाई दोस्तों, औषधि विज्ञान, ठीक है। इसके अलावा चौथा जो मेरा ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, साहित्य विज्ञान, ठीक है भाई। इसके बारे में बताइएगा दोस्तों कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है भाई, फटाफट बताने की कोशिश करें कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र से नोबेल पुरस्कार मिला है भाई, जल्दी बताइए भाई। अभी तक आपका कैंडिडेट दोस्तों देखिएगा, अभी तक आंसर नहीं है, अभी आप बता रहे औषधि विज्ञान के बारे में बता रहे। अरे दोस्तों हरगोविंद खुराना को रसायन विज्ञान से नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों किससे मिला था भाई, रसायन विज्ञान से क्या मिला था दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन से किससे मिला था भाई, नोबेल पुरस्कार किससे मिला था दोस्तों, आपको रसायन विज्ञान से मिला था भाई, किससे मिला था, रसायन विज्ञान से। बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर दो जो है वो बिल्कुल आपका क्या होगा दोस्तों, सही होगा, ठीक है भाई। आगे चर्चा करते हैं, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं भाई, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं। दोस्तों हर चीज को लिख लेना भाई, ठीक है ना, बात समझ लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो मेरा 11वां क्वेश्चन है वो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोस्तों ताजा पानी की झील कौन सी है, पानी की झील कौन सी है, झील कौन सी है। हाँ भाई फटाफट बताने का प्रयास कीजिएगा कि भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है। पहला ऑप्शन है दोस्तों वुलर झील झील, दूसरा ऑप्शन है डल झील, तीसरा ऑप्शन है सर चिल्का झील, और चौथा जो मेरा ऑप्शन है वो है दोस्तों पुष्कर झील। भाई फटाफट बताने की कोशिश करें कि इसका सही और सटीक जो आंसर होगा वो क्या होगा कि भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है। भाई बिल्कुल बताइए भाई, जल्दी बताइए, जो भी लोग लाइव बैठे हैं प्लीज, आप सभी से मेरा निवेदन है क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें भाई, ठीक है। इसका मान बताइए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की जो झील होती है ना वो कौन सी झील है दोस्तों, वुलर झील है भाई। कौन सी झील है भाई, वुलर झील है, ठीक है ना, जो भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कहलाती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं, 12वें क्वेश्चन पर। 12वें क्वेश्चन ये है दोस्तों, पारादीप क्या चीज भाई, पारादीप बंदरगाह है दोस्तों, पारादीप बंदरगाह है। बंदरगाह क्या होता है, जहां पर जहाज वगैरह स्टॉपेज होता है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है पारा, मैं नीचे लिख देता हूं, इसे नहीं लिखा गया, ठीक है, पारादीप, पारादीप बंदरगाह है, बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ठीक है। पहला जो आपका ऑप्शन है वो केरल है, क्या है, केरल है। दूसरा ऑप्शन है वो उड़ीसा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है वो कर्नाटक है, और चौथा जो मेरा ऑप्शन है वो है दोस्तों तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, ठीक है भाई। हाँ भाई फटाफट बताइएगा कि दोस्तों यहां पर कि पारादीप बंदरगाह है कौन सा भाई, पारादीप जो बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों केरल, दूसरा जो ऑप्शन है वो आपको उड़ीसा, तीसरा जो ऑप्शन है वो कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है दोस्तों तमिलनाडु। तो दोस्तों पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में स्थित है, तो पारादीप बंदरगाह है कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में क्या है दोस्तों स्थित
है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13वां। और क्वेश्चन नंबर 13वां देखना क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, एमनेस्टी। दोस्तों क्वेश्चन नाम देखता पढ़ते जाना, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, नेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, ठीक है भाई, कहाँ है। तो दोस्तों पहला है वो है पेरिस में, ठीक है भाई, दूसरा जो है वो है न्यूयॉर्क में, ठीक है भाई, तीसरा जो मेरे पास ऑप्शन है वो कहाँ है भाई, लंदन में, और चौथा जो मेरा ऑप्शन है दोस्तों वो है सिंगापुर में। दोस्तों कहाँ है, सिंगापुर में। तो दोस्तों देखिएगा क्या कहा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय होगा वो दोस्तों कहाँ स्थित है भाई, लंदन में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है भाई, लंदन में स्थित है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब जानना चाहूंगा भाई आप सभी का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके साथ लेके आया हूं, क्वेश्चन नंबर 14। आप सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, किस भारतीय स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, संग्राम के सेनानी, संग्राम के दोस्तों सेनानी को, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को शेर ए पंजाब को, शेर ए पंजाब, दोस्तों शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, बिल्कुल बोल रहा हूं भाई, ऑप्शन भी बोल रहा हूं, जाना जाता है, क्या है भाई, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है भगत सिंह है, ठीक है, दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन है वो है क्या है, खुदीराम, ठीक है, खुदीराम है, ठीक है, तीसरा जो मेरा ऑप्शन है वो है बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है, क्या है भाई, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक है, और चौथा ऑप्शन है वो लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों यहां से क्या कि किस भारतीय स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लाला लाजपत राय के को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। कहानी सुनी होगी इनके बारे में कि जब उन्होंने आंदोलन किया था तो इनकी ब्रिटिश सरकार के अंदर ब्रिटिश सरकार ने इनको लाठियों से लाठी चार्ज का जब आदेश दिया था तो इनको बहुत इनकी मतलब लाठियों से कूटते कूटते समय इनकी क्या हो गई थी दोस्तों, मौत हो गई थी। उस समय भारतीय ब्रिटिश सरकार ने इनको कहा था कि एक मात्र लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे सेनानी थे जिन्हें शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है या उसे उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई भाई, शेर पंजाब के नाम से या शेर पंजाब की क्या दी गई भाई, उपाधि दी गई, ठीक है। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहा हूं और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां है, देखिएगा भाई क्या कह रहा है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15वां जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि इंडोनेशिया, क्या चीज भाई, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है, इंडोनेशिया की राजधानी है। दोस्तों किसकी राजधानी पूछी है, इंडोनेशिया की राजधानी पूछी है भाई, ठीक है, किसकी राजधानी पूछी है दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी पूछी है। पहला ऑप्शन है वो है कुआलालंपुर है, ठीक है, या फिर दोस्तों दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन है वो है सुमात्रा है, क्या है भाई, सुमात्रा है, तीसरा ऑप्शन है वो है जकार्ता है, ठीक है, या फिर चौथा ऑप्शन है कि बाली है, क्या है भाई, बाली है। तो दोस्तों फटाफट बताने की कोशिश करें कि इंडोनेशिया, क्या चीज भाई, इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है। तो दोस्तों कौन बताएगा भाई, इंडोनेशिया की राजधानी है वो क्या है, जकार्ता है, क्या है दोस्तों, जकार्ता है, ठीक है ना।
बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, कौन से के क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में चर्चा करता हूं। फटाफट बताने की कोशिश करना भाई। वायुमंडल दाब दोस्तों, वायुमंडल का दाब, वायुमंडल का दाब दोस्तों, किसका दाब है भाई? वायुमंडल का दाब अचानक गिर जाना, अचानक गिर जाना, अचानक गिर जाना प्रदर्शित करता है, गिर जाना प्रदर्शित प्रदर्शित करता है दोस्तों। क्या कह रहा है कि वायुमंडल का दाब अचानक से गिर जाना किसके कारण ऐसा होता है? पहला ऑप्शन है शीत लहर के कारण, किसके कारण भाई? शीत लहर के कारण। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो किसके कारण? तूफान के कारण। तीसरा ऑप्शन है वर्षा के कारण, और चौथा ऑप्शन है साफ मौसम में, साफ मौसम में। तो दोस्तों फटाफट बताइएगा क्या चीज कि वायुमंडल का दाब अचानक गिर जाना किसको प्रदर्शित करता है भाई? जल्दी बताइएगा, देखता हूं भाई आप सभी लोगों में से सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब कौन देता है। दोस्तों तूफान के कारण, बहुत बहुत धन्यवाद। तूफान के कारण वायुमंडल का जो दाब है या वायुमंडल का जो दाब है वो अचानक से क्या होता है दोस्तों? गिर जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करता हूं भाई आपसे। 17वें क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहा हूं, 17वें क्वेश्चन को देखते हैं भाई आपका 17वें क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एचआईवी, ठीक है, एचआईवी विषाणु में, एचआई विषाणु में, ठीक है, कौन सी बीमारी फैलती है में, कौन सी बीमारी फैलती है दोस्तों? कौन सी बीमारी फैलती है ये बताना है भाई, कौन सी बीमारी फैलती है? जहां पर पहला ऑप्शन है दोस्तों कैंसर, दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है? कैंसर। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों सार्स। तीसरा जो मेरा ऑप्शन है वो क्या है भाई? एड्स। और चौथा जो ऑप्शन है भाई वो क्या है? हैजा। तो बताइए दोस्तों, आप मुझे ये बताने का प्रयास करें कि भाई एचआईवी के कारण कौन सा मतलब बीमारी फैलती है। जी बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, वो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है भाई, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का मान, वायुमंडलीय दाब का मान, वायुमंडलीय दाब का मान होता है, का मान होता है। दोस्तों इस प्रश्न को तो आप ऐसे ही बता दोगे, इस प्रश्न को तो आप भाई क्या करोगे, ऐसे ही बता दोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब का मान होता है भाई, ऐसे बता दोगे या ऑप्शन देने पड़ेंगे? पहला ऑप्शन है भाई पास्कल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है भाई 10 पास्कल, ठीक है, 10 पास्कल, ठीक है भाई। यहां पास्कल है, अकेला पास्कल है तो 1 पास्कल हो गया ना। दूसरा ऑप्शन है 10 पास्कल हो गया। तीसरा है भाई 10, ठीक है, 100 पास्कल, ठीक है भाई। और इसके अलावा चौथा जो ऑप्शन होता है वो होता है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई आप सभी लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि यहां पर कि दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कितना होगा, क्या होगा, कितना होगा भाई? फटाफट बताइएगा, कोई बताएगा? तो दोस्तों इसका जो मान होगा इनमें से कोई नहीं होगा। पास्कल के अंदर अकॉर्डिंग इसका जो मान होता है वो अलग होता है, 1 पास्कल नहीं होता भाई। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करता हूं भाई। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना भाई, देखता हूं आप सभी लोगों में से सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का, बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है दोस्तों, कि जसपाल राणा किससे जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं दोस्तों? जसपाल
बाल राणा किससे जुड़े हैं? पहला ऑप्शन है तैराकी से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं? तैराकी से जुड़े हैं। दूसरा ऑप्शन है भाई टेनिस से जुड़े हैं, ठीक है। तीसरा आपका ऑप्शन है निशानेबाज, किससे भाई? निशानेबाजी से जुड़े हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करूं तो भाई वो तीरबाजी या तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये 19वां क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं ताकि आप दोनों क्वेश्चनों के साथ साथ मुझे जवाब देते जाना भाई, ठीक है। कि भारत की सबसे पुरानी, भारत की सबसे, दोस्तों भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी, सॉरी ये 20वां क्वेश्चन है, तेल रिफाइनरी, ठीक है, कौन सी थी? तेल रिफाइनरी कौन सी है दोस्तों? पहला ऑप्शन है दिग्बोई, क्या है भाई? दिग्बोई। दूसरा मेरा ऑप्शन है हल्दिया, क्या है भाई? हल्दिया। तीसरा ऑप्शन है कोयाली, ठीक है भाई। मेरा चौथा जो ऑप्शन है वो है नूनामती, क्या है दोस्तों? नूनामती। फटाफट बताइएगा भाई, ठीक है। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करें कि 19वां जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जसपाल राणा किस खेल से जुड़े हैं? दोस्तों जसपाल राणा है वो निशानेबाजी से जुड़े हैं भाई। जसपाल राणा किस खेल से जुड़े हैं भाई? जसपाल राणा है वो निशानेबाजी से जुड़े हैं। दोस्तों किससे जुड़े हैं? निशानेबाजी से जुड़े हैं। और 20वां जो क्वेश्चन है भाई वो 20वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है वो कौन सी है दोस्तों? दिग्बोई है। अरे भाई कौन सी है? दिग्बोई है। उम्मीद करता हूं भाई ये बात आपको समझ में आई होगी। हाँ दोस्तों, क्या ये बात आपको समझ में आई है भाई? जो चीजें मैंने बताई है उन सभी चीजों के बारे में उम्मीद करता हूं भाई आप सभी को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना भाई। तो दोस्तों यहां चर्चा करता हूं तो आगे इस प्रकार से जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इस प्रकार की क्लास के बारे में हमेशा अपन चर्चा करने वाले। ये कंटिन्यू रहेगी क्लास, ये जीके वाली जो क्लास है वो कंटिन्यू चलेगी भाई, ठीक है ना। उस क्लास को जो पहले की क्लास थी उसको अलग मैटर, आज की क्लास जो जीके की क्लास है वो बिल्कुल, आज की क्लास में अपने सफलतापूर्वक दोस्तों कितने क्वेश्चन कर चुके हैं भाई? 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सभी लोगों ने प्रयास किया है, क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश की है, आपने हर क्वेश्चन को बताने का भी प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद भी आप सब। उम्मीद करता हूं भी जो 20 क्वेश्चन समझाए भी समझ में आए क्या? प्रकाश अहिर सर बहुत बहुत धन्यवाद। अहिर सर, सर आपको जो लोग लाइव बैठे प्लीज आप सभी से मेरा निवेदन है, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये बात आप सभी को समझ में आई है क्या? अरे हाँ या ना, प्लीज मुझे बताने की कोशिश करें कि यहां पर ये सारी बात आपको समझ में आई है क्या? हाँ या ना, जो भी लोग हैं भाई जिस भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए भाई आप बिल्कुल हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपको हमेशा क्वेश्चन करवाने की, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन करवाने की क्या रहेगी दोस्तों? कोशिश रहेगी, ठीक है भाई। ओके दोस्तों, गुड बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल की क्लास में। तो दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से, मैं आपका अपना धर्मेंद्र भास्कर, भास्कर मैथ्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार और आपका स्वागत करता हूं। सर कम से कम 100 क्वेश्चन होने चाहिए, किसके भी नंसरी जी, कम से कम किसके 100 क्वेश्चन होने चाहिए भाई? एक मिनट, मैं जानना चाहूंगा भाई, कम से कम 100 क्वेश्चन होने चाहिए, एक मिनट भाई। जीके के क्या या मैथ के भाई, प्लीज मुझे बताने का कष्ट करें भाई, जीके के या मैथ के? मोहित जाकेट बिल्कुल बेटा, गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट मोहित जाकेट बेटा, ठीक है भाई। आनंद सर जी प्लीज आप बता रहे हैं कि 100 क्वेश्चन होने चाहिए, किसके होने चाहिए? जीके एंड जीएस के। हाँ भाई नैनसुरी जी, जीके एंड जीएस के 100 क्वेश्चन बिल्कुल कराऊंगा। यदि आपकी जब नंबर ऑफ संख्या यहाँ बढ़ जाएगी ना, उस दिन मैं 100 क्या 150 क्वेश्चन भी आपको पर डे कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप क्लास को इतना फॉरवर्ड कर दो, इतना फैला दो कि भाई मैं आपको 150 नहीं 200 क्वेश्चन करूंगा, बस नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे मिलने चाहिए भाई। जब तक आप मेरे सामने बैठे मिलोगे ना, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो मैं आपके लिए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे नहीं, आप कहोगे उतनी देर में काम करने के लिए तैयार हूं, बस आप पढ़ते रहिए,
बताइएगा, आप 100 क्वेश्चन की बात कर रहे हो यार, मैं आपको मतलब एक संडे स्पेशल में मतलब आपको 4 घंटे 6 घंटे लगातार मैं दे सकता हूं, जिनके अंदर चाहिए वो कितने भी क्वेश्चन हो भाई, ठीक है ना। आप लोगों से बस मेरा इतना अपील है, इतना निवेदन है, इस वीडियो को, इस क्लास को इतना पहुंचा दो और बच्चों को बोलो कि भाई यहां पर सारी चीजें अवेलेबल है, आपकी जिस प्रकार डिमांड होगी ना वो क्लास लगा दूंगा। नाइट अपनी है फुल नाइट, ठीक है, मैं पूरी रात क्लास ले सकता हूं, ठीक है, दिन में जितना टाइम मिलेगा मैं आपकी क्लास ले, ले, ले जैसे जैसे टाइम मिलेगा ले लूंगा, लेकिन भाई मुझे क्या चाहिए भाई, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए भाई, उसके लिए मैं भी क्लास आप कहोगे तब ले लूंगा, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों, गुड बाय गुड नाइट, एक बार फिर से आप सभी लोगों का भास्कर मैथ्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, मैं आपका अपना धर्मेंद्र भास्कर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। जय हिंद जय भारत, ठीक है भाई, शुभ रात्रि।